हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिवम मिश्रा और आज हम ये जानेंगे कि पास्को के केसेस में आपको अच्छे वकील की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि जो स्पेशल एक्ट होते हैं, चाहे हम एस सी एस टी की बात करते हैं या फिर हम यूपी गैंगस्टर एक्ट की बात करते हैं या फिर एन डी पी एस एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये सब जो स्पेशल एक्ट होते हैं इसमें जो कोर्ट का जो प्रिजम्पशन होता है, प्रिजम्पशन ये होता है कि जैसे अगर हम डिस्कस करते हैं गैंगस्टर एक्ट के बारे में, तो वहाँ पे 19 सब प्लस 4B जो सेक्शन होता है, वहाँ पे कोर्ट तभी आपको बेल देगी जब कोर्ट को ये प्राइमी फेसाई बिलीव हो जाएगी कि आप एक्यूज नहीं हैं और साथ ही साथ आप फ्यूचर में इस तरीके के ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तभी कोर्ट आपको बेल देती है। इसी तरीके से NDPS एक्ट में भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन आई थिंक सेक्शन 34 है, जहाँ पे कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके बैठती है। अगर सिमिलर सिचुएशन जैसा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट में है कि अगर आपको कोर्ट ये फाइंडिंग इनिशियल लेवल पे देखती है कि आप इनोसेंट दिखाई पड़ रहे हैं और इस तरीके के ट्यूटी फ्यूचर में नहीं करेंगे, तभी वो आपको बेल ग्रांट करती है। मतलब कहने का मतलब ये है, स्पेशल एक्ट अगर हम एस सी एस टी की भी बात करें तो सिमिलर इसमें भी यही सिचुएशन है कि कोर्ट का जो प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन यही है कि आपने उस तरीके के ऑफेंस कारित किए। जैसे एस सी एस टी में जैसे आप कोर्ट ये प्रिज्यूम करके बैठी है कि आपको ये पता था कि जिस पर्सन को आपने मारा पीटा वो पर्सन एस सी एस टी कैटेगरी से आता है, तो वो कोर्ट का क्या। अगर हम इंडियन पिनल कोड की बात करें तो जैसे कि डाउरी डेट के केसेस में, जहाँ पे कोर्ट का जो प्रिजम्पशन क्या है, कोर्ट का प्रिजम्पशन हमेशा एक्यूज्ड के अगेंस्ट में रहता है। इसी तरीके से पास्को के केसेस में जो सेक्शन 29 है, वहाँ पे भी कोर्ट का जो ये प्रिजम्पशन है कि एक्यूज्ड पर्सन ने इस तरीके के ऑफेंस को कारित किया है। तो कहने का मतलब ये है, वैसे भी ये एक स्पेशल एक्ट है और लेकिन सेक्शन 29 इसको अन्य एक्ट जैसे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, सिमिलर उसी तरीके से इसको कोर्ट प्रिज्यूम करके बैठी है कि एक्यूज्ड पर्सन ने इस तरीके के ऑफेंसेस किया है। और कुछ चीज़ें अगर हम और कंसीडर करते हैं, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 134 है, ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो पीड़िता होता है या होती है, जो भी चीज़ें हैं, एक्चुअली पास्को एक्ट में ये भी जानने वाली बात है कि सिर्फ गर्ल्स ही इसमें नहीं आती हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, इसीलिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बालक यूज़ किया गया है इस पास्को एक्ट में। तो वहाँ पे जो कंसीडर किया जाता है ट्रायल में, जो विक्टिम होते हैं, विक्टिम का जो एविडेंस होता है वो एक मजरूब साक्षी के समान होता है। मजरूब साक्षी का मतलब जो पर्सन जो पीड़ित होता है जैसे चोटहिल जैसे होते, जिसे चोट लगा होता है, उसी तरीके से सिमिलर वो एकम्प्लिस नहीं होती, वो सह अभियुक्त की तरह उसका रोल नहीं होता है। उसको ये माना गया है कि जो विक्टिम है, विक्टिम का जो एविडेंस है वो एक मजरूब साक्षी के समान होता है और उसके ही सिर्फ एकमात्र बयान से एक्यूज पर्सन को क्या किया जा सकता है, उसको दोष सिद्धि दी जा सकती है। मतलब सिर्फ अगर विक्टिम की ही जो टेस्टमनी है कोर्ट में, अगर वो पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी है और कोर्ट को ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो सही बोल रही है, तो डेफिनेटली सिर्फ उसी की ही टेस्टमनी पे क्या होता है, एक्यूज पर्सन को जेल भेजा जा सकता है, मतलब उसको दोष सिद्धि दी जा सकती है। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 134 में भी बात करें तो उसमें भी सिमिलर यही लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट को कभी भी क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एविडेंसेस पे नहीं फोकस करना चाहिए, उसको क्वालिटी ऑफ द एविडेंसेस पे फोकस करना चाहिए और किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य की निर्धारित संख्या अपेक्षित नहीं होती है, ऐसा सेक्शन 134 में डिस्कस भी किया गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अगर विक्टिम की ही टेस्टमनी अगर वो पूरी तरीके से कोर्ट को इंस्पायर कर देती है, कोर्ट को उस पे बिलीव होता है, कोर्ट को वो ट्रस्टवर्दी रिलाइज होता है, तो सिर्फ उसी की ही टेस्टमनी पे एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन किया जा सकता है। अगर हम कुछ जजमेंट के बारे में बात करें तो इसके सपोर्ट में जो जजमेंट है वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस छोटेलाल का, आई थिंक AIR 2011 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और राजेंद्र वर्सेज मध्य प्रदेश की भी जजमेंट है, आई थिंक 2009 की ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, और इसी तरीके से सिमिलर नंद कुमार वर्सेज छत्तीसगढ़ राज्य का भी जजमेंट है, जिसमें सिमिलर यही अप्रोच दिया गया है कि एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि बिल्कुल की जा सकती है यदि साक्षी का जो बयान हो वह स्वाभाविक और विश्वसनीय हो। तो ये सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके कारण से मेरा ये मानना है कि पास्को का केसेस अगर आप
आप उसको फेस कर रहे हैं, तो आपको एक बेहतर और सही वकील की ज़रूरत पड़ती है जो आपको सही तरीके से डिफेंस कर पाता है। क्योंकि ज़्यादातर मामले में हमने भी ऐसा देखा है कि अगर वो जो जो विक्टिम होती है जब कोर्ट में आके होस्टाइल भी होती है तो भी कोर्ट उसको क्या करता है, तो भी कोर्ट उसकी कोर्ट फिर भी उस एक्यूज्ड पर्सन को होस्टाइल होने पे भी उसको क्या करता है, एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर देता है। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ रीज़न अगर हम थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट में बताएं, वैसे होस्टाइल विटनेस के बारे में ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उसके अगर कोई विटनेस होस्टाइल है तो उसके पूरे बयान को, ऐसा नहीं है कि सारे बयान को पढ़ा ही नहीं जाएगा, जो बयान जो कोर्ट उसमें जो आपके रिलेवेंट जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट करते हैं उस टाइप के टेस्टिमनी को कोर्ट क्या कर सकता है, अपने जजमेंट में फाइंडिंग कर सकता है। होस्टाइल विटनेस के उस पार्ट को जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट करते हैं उसको कोर्ट अपने फाइंडिंग में रख सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होस्टाइल हो गए हैं तो आपको उसमें एक्यूज पर्सन को एक्विटल ही होगा, क्योंकि हमने जैसा कि मैंने बताया भी कि ढेर सारे ऐसे केसेस हैं जिसको मैंने देखा है कि जहाँ पे कोर्ट में जो विक्टिम होती है जब वो होस्टाइल भी हो जाती फिर भी एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दिया गया। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि एक्यूज पर्सन ट्रायल के पहले जो विक्टिम होती है उस विक्टिम का 161 CRPC में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है अगर उसने उस समय घटना को सपोर्ट किया होता है। दूसरी चीज़ें फिर 164 का स्टेटमेंट होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, और मजिस्ट्रेट के सामने 164 का एक पूरा प्रोसीजर है। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी डर, किसी के कोवर्सन में, किसी के अंडू इन्फ्लुएंस में, वो पूरी तरीके से फ्री माइंड में सही से बयान देता है ऐसा माना जाता है। और 164 का जो स्टेटमेंट जब मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड भी करता है तो इस बात की पूरी सेटिस्फिक्शन कराने के बाद ही वो रिकॉर्ड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 161 में जो विक्टिम है उसने पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट किया, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट किया। और इवन दैट एक चीज़ और भी आपको ध्यान देने वाली होती है कि पास्को के केसेस में जो विक्टिम होती है उसका जो मेडिकल होता है, मेडिकल एविडेंस जो होता है, मेडिकल डॉक्टर के सामने भी उसका एक बयान होता है, डॉक्टर भी उससे पूछती है कि आपके साथ किस तरीके का इंसिडेंट होता है। तो अगर वो इनिशियल लेवल पे, अगर मैं प्री ट्रायल के बारे में बात कर रहा हूँ, उस स्टेज पे अगर वहाँ पे भी उसने इंसिडेंट को रिपीट किया, प्रोसिक्यूशन स्टोरी को ही सपोर्ट किया, और इतनी जगह पे उसने प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट किया, बाद में चार्जशीट आती है, और अगर ट्रायल के समय अगर वो होस्टाइल हो जाती है चाहे किसी भी तरीके से, पास्को के केसेस में ज़्यादातर वैसे ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं, लेकिन दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता हो जाए, कोई भी रीज़न हो, देर इज़ अ एक्स वाई जेड, कोई भी रीजन्स हो, वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हुई और कोर्ट को ये लगता है कि जो विक्टिम है वो इस तरीके का जो बयान वो झूठा दे रही है, तो डेफिनेटली क्या होता है कि एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन होता है। तो ऐसे भी मैंने ढेर सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दिया गया, इवन दैट ट्रायल के समय जो विक्टिम है, प्रोसिक्यूटिक्स है या विक्टिम है, वो होस्टाइल हो गई। ये सारी चीज़ों से ये चीज़ें समझ में आती है कि पास्को के केसेस में आपको एक अच्छे वकील की ज़रूरत बिल्कुल ही पड़नी चाहिए, और आपको एक अच्छे वकील से ही अपना डिफेंस कराना चाहिए।